हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? वो भी सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो चलो शुरू करते हैं गुलाब जामुन की ये रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये इंस्टेंट वाला मिक्सर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये है MTR कंपनी का, और जो कि 160 ग्राम का है। और ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं, और मैं 2 पैकेट से गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये गुलाब जो मिक्सर है वो मैंने एक प्लेट में ऐड कर दिया, और मैं इसका डो लगा रही हूँ। डो लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क, और आप चाहो तो वाटर का यूज़ भी कर सकते हो और मिल्क का यूज़ भी कर सकते हो। इस पैकेट के पीछे पूरी इंस्ट्रक्शन जो लिखी होती है उसके हिसाब से आप इसको इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं डो लगाऊंगी पहले, और यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ पे यार ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। और इलायची का पाउडर से इसका टेस्ट जो अच्छा आता है, फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए इलायची का जो पाउडर है वो आप ज़रूर ऐड करें, उससे आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने डो, जैसे कि देख सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड कर रही हूँ और डो लगा रही हूँ। आपने मिल्क को एकदम से पूरा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा लेके ऐड करना है, और फिर आपने इसको डो लगाना है। तो बस ये ऐसे करके डो लगा लेना अपने अच्छे से, और अगर आपका डो अच्छा होगा तभी आपके गुलाब जामुन जो वो अच्छे बनेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पर डो जो मेरा बन के रेडी होने वाला है, अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और बस अब मैं आगे का नेक्स्ट प्रोसेस वो स्टार्ट कर दूँगी। तो डो लग गया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैं शुगर सिर्फ। शुगर सिर्फ बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 kg चीनी और 1 लीटर पानी। तो दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सेम क्वांटिटी में ये दोनों चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप, जो ये इसकी शुगर सिर्फ की वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो ज़्यादा थिक नहीं करनी है, वो आपने थोड़ी पतली ही रखनी है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इलायची का पाउडर, उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अब इसके बाउल गुलाब जामुन की। तो बाउल जो है ना, बाउल बनाते टाइम अपनी बात ध्यान रखनी है, इसमें क्रैक नहीं आनी चाहिए। और क्रैक आ गए तो जब आप फ्राई करोगे तो ये फट जाएंगे, और आपके गुलाब जामुन जो अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस आपने यही ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम जब फ्राई करेंगे तो फ्राई करते टाइम हमने इनको अच्छे से फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए, तब तक हमने फ्राई करना है। तो हम इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर फुल फ्लेम पे हमने फ्राई किया तो ये जल जाएंगे, तो इसलिए हमने लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं और अच्छा सा इनका जो है कलर आ जाए। तो इसलिए हमने इनको लो फ्लेम पे ही करना है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, गुलाब जामुन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो गुलाब जामुन जो वो फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको एक प्लेट में निकालूँगी बाहर, और फिर इनको शुगर सिरप में ऐड कर दूंगी। तो जैसे कि देख सकते हो आप, तो यहाँ पे शुगर सिरप जो ये इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप, इस तरह की रखनी है आपने। और फिर आपने सारे गुलाब जामुन जो भी इसमें ऐड कर देने हैं, और उसके बाद आपने इनको 1 घंटे के लिए रखना है, और 1 घंटे के बाद इनको आपने सर्व करना है। और ये बस 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद मैं इनको सर्व कर रही हूँ, और ऊपर से मैं इनको चाशनी से थोड़ा ऐड कर रही हूँ चाशनी इसमें। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी, तब तक के लिए टेक केयर।